नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको नटबोल्ट के बारे में जानकारी देंगे कि नटबोल्ट कितनी तरह के होते हैं और उसमें क्या क्या सूच चलते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि नटबोल्ट के बारे में जानकारी दीजिए, तो हम आज नटबोल्ट के बारे में बात करेंगे और उसमें लगने वाले पानी के बारे में भी बात करेंगे कि किस नंबर का नटबोल्ट कितने सूच का कहलाता है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए शुरू करें। ये बोल्ट बहुत पतला बोल्ट है और ये 1.5 फुट का बोल्ट कहलाता है। इसके अंदर हम बताएंगे कि 1.5 फुट किस तरह से है। तो जैसे कि आप ये देखने पे तो पता चलेगा नहीं कि कितने सूत का है, पर हम आपको बता देंगे कितने सूत का है। तो ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मशीनरी बोल्ट कहलाता है दोस्तों। ये 8 नंबर पाने में लगने वाला 1.5 फुट बोल्ट कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 8 नंबर मेरे पास पाना है, ये इसका, ये देख रहे हैं 8 नंबर, ये 8-9 का पाना है दोस्तों। ये 1.5 फुट का बोल्ट कहलाता है। तो ये 1.5 फुट के अंदर ये नट है और इसकी जो मोटाई है वो 1.5 फुट है। अब इसके बाद हम आपको 2 सूत के 2 सूत का बोल्ट है, ये आप देख रहे हैं 2 सूत का बोल्ट है। और ये 2 सूत का बोल्ट जो होता है ये 1.5 फुट से पतला होता है। अभी देख रहे हैं दोनों की मोटाई और पतलाई। इसमें 8 नंबर बोल्ट, 8 नंबर पाना लगता है दोस्तों, और इसमें 10 नंबर पाना लगता है। तो अभी देख रहे हैं ये 6 इंच का बोल्ट है और 3 इंच का बोल्ट है। 1.5 फुट का बोल्ट है जिसमें 8 नंबर पाना लगता है और ये 10 नंबर पाने के लिए 2 सूत कहलाता है। तो ये आप 2 सूत को भी देख लीजिए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सूत के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये देख लीजिए आप, ये सूत है, ये 1.5 सूत है और ये 2 सूत है और ये 10 और 11 का पाना है। मेरे हाथ में ये 10 और 11 का पाना है, ये आसानी से इसमें लग जाएगा दोस्तों। ये 10 और 11 का पाना, ये डिबरी में लगाते देख रहे हैं आप, ये 11 नंबर और ये 10 नंबर। तो ये अगर आपको 2 सूत के बारे में पता करना है तो आप 10 नंबर या 11 नंबर का पाना आप लगा के देख लीजिए, और 8 नंबर में 8 और 7 का पाना लगाएंगे तो आपको सूत पता चल जाएगा। तो 1.5 सूत में 8 और 7 और 2 सूत के अंदर 10 और देख रहे हैं। 2.5 सूत का बोल्ट है, जैसे कि मैंने आपको 1.5 दिखाया 2 दिखाया, अब 2.5 सूत है। ये अधिकतर शटर में चलते हैं, आपने शटर के नट बोल्ट देखे होंगे, ये 2.5 सूत का बोल्ट है। अब ये 2.5 सूत का जो बोल्ट होता है दोस्तों, उसमें कौन से नंबर का पाना लगता है हम आपको बता देते हैं। इसमें दोस्तों 12 और 13 का पाना लगता है। ये 13 नंबर जो बोल्ट होता है दोस्तों, ये 2.5 सूत का होता है। ये 13 नंबर बोल्ट आसानी से इसमें लग जाएगा, ये 13 नंबर बोल्ट। तो ये जो बोल्ट होता है 2.5 सूत का, वो 13 नंबर बोल्ट कहलाता है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन था कि 2 सूत, 1.5 सूत, 2.5 सूत। तो ये आप देख लीजिए, ये 2.5 सूत का बोल्ट इस तरह का दिखता है और उसमें 13 नंबर का पाना लगता है। चलिए अब आपको 3 सूत दिखा देते हैं। देख रहे हैं जैसे कि मैंने 2.5 सूत दिखाया था, 3 सूत उससे थोड़ा सा मोटा होता है। और ये आप बोल्ट देख लीजिए 3 सूत का कितना मोटा होता है। और इसमें जो पाना लगता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें पाना लगता है 16-17 का। आप कहीं पर भी जाएंगे 3 सूत के बारे में, 3 सूत बोल्ट की पहचान करने के लिए आपको 16-17 पाने की आवश्यकता होगी, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये आप 16-17 का पाना देख रहे हैं, ये 17 नंबर बोल्ट कहलाता है। 3 सूत का 17 नंबर बोल्ट कहलाता है। ये आप देख लीजिए, मेरे पास 4 इंच का बोल्ट है और ये 16-17 का पाना है। जिस पाने में 16-17 का लगेगा जिस नट बोल्ट में, यानी कि 3 सूत के बाद हम आपको 4 सूत दिखा देते हैं। ये जो बोल्ट होते हैं 4 सूत के, ये ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सबसे ज़्यादा लगते हैं। शेड्यूल के अंदर जो पीछे पतार रहती है जिससे खेती की जाती है, उसके अंदर जो भी ये बॉडी वगैरह का काम करता है, ये उसके काम में आते हैं। तो ये 4 सूत का बोल्ट है दोस्तों। इसका जो 4 सूत का अंदर जो पाना लगेगा वो हम आपको बता दें, 20-22 का पाना लगेगा। ये अगर आपको 4 सूत की पहचान करना है बोल्ट की, तो उसमें 20-22 का पाना लगेगा। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 सूत के अंदर 20-22 का पाना लग जाएगा। तो ये 4 सूत बोल्ट 3 सूत से इतना मोटा होता है। तो आपने देख ही लिया होगा कि 3 सूत पतला था, अभी ये 4 सूत है। अब इसके बाद हम आपको 5 सूत के बारे में बता देते हैं। 5 सूत है, ये 4 सूत से उससे मोटा होता है बोल्ट। आप ये देख रहे हैं 5 सूत इतना मोटा होता है। ये बहुत हेवी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कहीं पर पोल वगैरह लगते हैं तो उसमें 5 सूत की जो प्लेट होती है उसमें 5 सूत का होल करा जाता है। आपने बहुत से दर्शन वगैरह देखे होंगे बहुत जगह पे, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे आपने बहुत बड़े बड़े पोल खड़े हुए देखे होंगे, तो उसमें ये 5 सूत का बोल्ट लगता है। तो 5 सूत के बोल्ट के अंदर पाना कौन सा लगता है हम आपको बता दें, 5 सूत के अंदर 24-27 का पाना लगता है। तो ये 24-27 का पाना देख रहे हैं आप, ये 5 सूत के अंदर लगाया जाता है। ये 5 सूत के अंदर आसानी से लग जाता है, ये ऊपर 24-27 का बोल्ट है। तो 5 सूत में दोस्तों ये 24-27 का बोल्ट लगता है 5 सूत के अंदर।
यानी पाना लगता है, तो आप समझ ही गए होंगे लगता है। अब आगे हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों छः सूत का, छः सूत की नट देख रहे हैं हम कि हम किसी वजह से इसका बोल्ट अरेंज नहीं कर पाए, फिर भी हम आपको नट के बारे में बता देते हैं। मेरे हाथ में अभी फिलहाल में छः सूत की नट है, उसमें जो पाना लगता है जैसे कि हमने बता दिया आपको डेढ़ सूत, दो सूत, ढाई सूत, तीन सूत, चार सूत और पाँच सूत। अब सूत के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, और ये आखिरी हम आपको छः सूत के बारे में बता देते हैं कि छः सूत में कौन सा बोल्ट लगता है। तो मेरे पास 30-32 का पाना है दोस्तों, 30-32 के अंदर छः सूत की नट लगती है या छः सूत का बोल्ट लगता है। तो आप जैसे कि आप समझ गए होंगे कि सूत के बारे में क्या क्या लगते हैं, तो डेढ़ सूत, दो सूत, ढाई सूत, तीन सूत, चार सूत और पांच सूत और ये आखिरी छः सूत। तो डेढ़ सूत में जो होता है वो आठ नौ का पाना लगता है, सात आठ का पाना लगता है, आठ नंबर बोल्ट डेढ़ सूत कहलाता है, दस नंबर बोल्ट दो सूत कहलाता है। तो और उसके बाद जो दोस्तों जैसे कि आगे बढ़ते जाएंगे आप ऐसे पाने का वो बढ़ते जाएगा, तो ये छः सूत के अंदर 30-32 का पाना लगता है। तो आप समझ ही गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।